Good morning students. Today we will learn about computer and your first chapter is basic parts of computer. So let's start. सबसे पहले computer क्या है? What is computer? So computer is defined as a machine. वो एक system है जो एक machine है जिसके ऊपर आप different types of jobs perform कर सकते हो, जैसे कि games खेलना, आपके data handle करना, movies देखना and social websites पर search करना, web page पर search करना, ये सब बेसिक काम है कंप्यूटर के। सो कंप्यूटर को जो आपने डिवाइड करा है दो पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर इज अ मशीन। देन सेकेंड टर्म, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, पहला हार्डवेयर, सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सबसे पहले जानते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो पार्ट्स आप फिजिकली देख सकते हो, उसे फिजिकली टच कर सकते हो, दोज आर हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। सो हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले मॉनिटर, सीपीयू, देन कीबोर्ड, माउस। ये तो आपके हो गए हार्डवेयर के बेसिक पार्ट्स। जो बाकी आप लगा सकते हो स्पीकर, ये सब हार्डवेयर है जो आप देख सकते हो एंड फिजिकली टच कर सकते हो। अब जो कंप्यूटर है हार्डवेयर के अंदर, सो हार्डवेयर जो है आपका बेसिक चीजों से डिवाइडेड है। आपका हार्डवेयर कुछ बेसिक चीजों से डिवाइडेड है, जैसे कि मदरबोर्ड हार्डवेयर के अंदर आता है, SMPS जो कि पावर सप्लाई है वो हार्डवेयर में आता है, रैम, हार्ड डिस्क, माइक्रोप्रोसेसर। सो जो आपने ये सेकंड हार्डवेयर पढ़ा था CPU, CPU के डिफरेंट पार्ट्स क्या है? पहला मदरबोर्ड, सेकंड इज SMPS, थर्ड वन इज रैम, फोर्थ वन इज हार्ड डिस्क एंड फिफ्थ वन इज माइक्रो प्रोसेसर। आपका जो सीपीयू है वो कैबिनेट जो होता है उसके अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पहला मदरबोर्ड, SMPS, रैम, हार्ड डिस्क एंड माइक्रो प्रोसेसर। मदरबोर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर का दिल होता है, जो कि आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है वो है मदरबोर्ड। देन सेकंड SMPS। SMPS क्या होता है? SMPS जो है वो पावर सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर को। देन नेक्स्ट इज रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसेट के टाइप का होता है, ग्रीन कलर का, जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क वो सिस्टम है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, जो आपका डेटा है वो सब स्टोर होता है। देन माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके जितने भी आपके ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करता है माइक्रोप्रोसेसर। सर नेक्स्ट हार्डवेयर जो है चार पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। हार्डवेयर इज क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। दे आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ये चार पार्ट में डिवाइड करा गया है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सो स्टोरेज नाम से स्पेसिफाइड है, स्टोर, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है। सो जितना भी आपका डेटा है वो स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, जो कि ये होती है आपकी हार्ड डिस्क। देन सेकंड इनपुट। इनपुट क्या है? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में कुछ कमांड देते हो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड,
माउस, ये आपके हो गए इनपुट डिवाइसेस जहां पे आप इनपुट के लिए कमांड दे रहे हो। देन नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? जो आप कंप्यूटर पे बाहर देखते हो, जैसे कि आपके मॉनिटर, आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो वो आप मॉनिटर पे देखते हो, सो इसलिए वो आउटपुट। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर पे क्या होता है कि जैसे ही आपने प्रिंट का कमांड दिया, जो भी आपका पेज कंप्यूटर पे होगा वो बाहर प्रिंट होके आ जाएगा, सो दैट इज नोन एज प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? सो प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने इनपुट दिया, इनपुट आपने कुछ दिया कंप्यूटर पे, वो प्रोसेस होके आउटपुट पे दिखा रहा है, सो बीच का जो लिंक है वो प्रोसेसिंग है। सो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो आपका सीपीयू है। सीपीयू इज योर प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि आपके इनपुट कमांड को आउटपुट में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। सो ये तो था आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बिल्कुल ऑपोजिट है। सॉफ्टवेयर इज ऑपोजिट टू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है आप फिजिकली टच नहीं कर सकते बट उसे देख सकते हो। सो सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, पहला एप्लीकेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। जो भी आप कंप्यूटर पे ऑपरेट करते हो, चाहे विंडोज ऑपरेट करो, मैक ऑपरेट करो, डॉस ऑपरेट करो, जिसके वजह से आपका कंप्यूटर चलता है वो उसे कहा जाता है सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोज आर विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10, विस्टा, विंडोज विस्टा, देन लिनक्स, उबंटू, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो भी आपके सिस्टम, जो सिस्टम है, जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि वहां पे आपका कैलकुलेटर होता है, पेंट होता है, वर्ड होता है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स कर सकते हो। इवन जो आपके ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब एप्लीकेशन है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है? आपका कैलकुलेटर, इवन आपके गेम्स, ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, ये सब तो था आपके कंप्यूटर का जितने भी बेसिक पार्ट्स हैं, ये कंप्लीट बेसिक पार्ट्स हैं। सो आज हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एन कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज अ सिस्टम डिफाइंड एज एन अमेजिंग मशीन दैट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स परफॉर्म करती है। देन कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, दो बेसिक पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आर द पार्ट्स विच आर फिजिकली सीन एंड टच, जिसे आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपके हो गए हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आउटपुट निकालते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर वो बताते हैं करना क्या है। फिर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसके चार पार्ट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ये तो थे आपके चार पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस रन करता है। जैसे कि आपको ब्राउज करना है, मतलब आपको कोई सर्च करना है वेब के ऊपर, तो आप किस पे करोगे? क्रोम पे, इंटरनेट के हेल्प से। सो क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है, यानी कि एक एप्लीकेशन है जो कि आता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो ये सब तो आपका फर्स्ट चैप्टर के पूरे कंप्लीट बेसिक थ्योरी है। सो रीड द चैप्टर। थैंक यू।